ग्वालियर जिले में कल सड़क हादसे में हुए आरक्षक अजय वासकेल की मौत के बाद पुलिस विभाग ने शोक सम्मेलन व्यक्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजित कार्यक्रम में सभी पुलिस कर्मियों ने माला और पुष्प अर्पित कर मृतक आरक्षक को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि के बाद 2 मिनट का मौन धारण किया। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि अजय ग्वालियर पुलिस विभाग के बहुत जिम्मेदार सिपाही थे। सड़क हादसे में उनकी मौत हुई है और यंग आरक्षक ने बहुत कम समय में अलविदा कह दिया है, इसलिए पुलिस विभाग के सभी साथियों ने शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उसके परिवार की हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, यहाँ हम विचार कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। पूरा पुलिस परिवार मिलकर उसके परिवार की हर संभव मदद करेगा। एक ग्वालियर पुलिस परिवार से अजय वासकले जो हमारे साथी थे, और परसों रोड एक्सीडेंट उनका दुखद निधन हुआ है। आज पुलिस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। पूरा ग्वालियर पुलिस के जो साथी हैं सभी इस घटना से बहुत दुखी हैं। इस मौके पे हमारी कामना है कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस दुख की घड़ी में परिवार को संबल प्रदान करें। पूरा ग्वालियर पुलिस परिवार उनके साथ है। वो परिवार किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। उनकी मदद के पूरे प्रयास किए जाएंगे।